Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher and a professional corporate trainer. Welcome to the series of Elasticity. This is the first lecture from the series of Elasticity, and the topic is Elasticity and Price Elasticity. The lecture is going to be in Urdu language. If you want to watch the same lecture in English language, just click on this link. This link will lead you to my English language video for the same topic, Elasticity and Price Elasticity. So without further delay, here we go. Welcome back. कुछ रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास और वो ये थी कि सर इलास्टिसिटी के ऊपर प्लीज़ वीडियो बनाएं। अब मेरे पास ऑप्शन ये था कि या तो मैं 2-2.5 घंटे की एक वीडियो बनाऊं, बहुत लंबी एक वीडियो बनाऊं और जिसमें मैं इलास्टिसिटी के तमाम टॉपिक्स को कवर करूं, मगर ऐसा हो नहीं सकता था। एक तो एडिटिंग बहुत रिक्वायर्ड होती है, दूसरा स्टूडेंट्स की जो टॉलरेंस लेवल है वो 10-15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं है। तो मैंने इलास्टिसिटी के टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ दिया है और एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है अपने यूट्यूब चैनल पे इलास्टिसिटी की। इसमें हम तमाम इलास्टिसिटी की फॉर्म्स को और इलास्टिसिटी से मुतालिक जितने क्वेश्चंस हैं, जितनी वेरिएशंस हैं, सब कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये पहली वीडियो है इलास्टिसिटी की जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं ये Yes, elasticity and the price elasticity. आज हम ये कवर करेंगे। लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी बताऊंगा, मैं आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताऊंगा, मैं आपको फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताऊंगा। ये वो फॉर्मूला है जिसके अंदर परसेंटेज चेंज गिवन होगा। ऐसा भी फॉर्मूला अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा जिसमें स्टूडेंट जीरो लेते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज चेंज गिवन नहीं होता और उनको कैलकुलेट करना पड़ता है और वो गलत फिगर लगा देते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगा और इसके अंदर हम एग्जाम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होता है। व्हाट इज इलास्टिसिटी? इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल ड्यू टू द चेंज इन अनदर वेरिएबल। जो यहां लिखा हुआ है, मैं उस पर जाने से पहले आपको समझाना चाहता हूं कि होता क्या है। इलास्टिक सुना है आपने? इलास्टिक बचपन में हम सब ने इलास्टिक को इस्तेमाल किया है। इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक को आप खींचते हैं तो इलास्टिक ऊपर जाता है, वापस जाता है, तो जितना आप उसको खींचते हैं उसका रिस्पॉन्स देता है वो। ठीक है, और फिर वो आखिर में होते होते अपने पॉइंट के ऊपर आ जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं इलास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी क्या होता है? आपको याद होगा, आपने डिमांड की मेरी वीडियो देखी होगी। अगर आपने डिमांड की वीडियो मेरी नहीं देखी है, लॉ ऑफ डिमांड की वीडियो नहीं देखी है, तो ये लिंक आ रहा, इस पर क्लिक करें, डिमांड की वीडियो देखें। उसमें हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किया था। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं इलास्टिसिटी के अंदर कि एक्स एक्सिस पे जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से वाई एक्सिस रिस्पॉन्ड कैसा कर रहा है, कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी का। अब डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, डिफरेंट अंदाज से रिस्पॉन्स आता है। इलास्टिसिटी में जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करते हैं तो रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होता है, इनकम को डिस्कस करते हैं रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होता है, क्रॉस को डिस्कस करते हैं रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होता है। लेकिन मैं आपको बेसिक इलास्टिसिटी अभी इस लेक्चर के अंदर समझाना चाहता हूँ। इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन अनदर वेरिएबल सच एज प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड ने कैसा रिस्पॉन्स किया जब प्राइस में चेंज आया। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है डिस्कस करने की कि प्राइस में कितना चेंज आया और क्वांटिटी डिमांडेड ने कितना रिस्पॉन्स किया, कुछ रिस्पॉन्स किया भी कि नहीं किया, बहुत ज्यादा चेंज पे थोड़ा रिस्पॉन्स, थोड़े चेंज पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स, इक्वल चेंज पे इक्वल रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें कवर करता है इलास्टिसिटी। अच्छा, आगे आते हैं, मजीद इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं। उसमें लिखा हुआ है इट एग्जामिन्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इसलिए क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी होता है। इट एग्जामिन्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर टू अ चेंज इन द वेरिएबल इन द मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस के अंदर कोई भी वेरिएबल मूव हुआ, सिर्फ प्राइस ही नहीं, कोई भी वेरिएबल मूव हुआ, इसकी वजह से कंज्यूमर के चेंज उसके बिहेवियर पे क्या इफेक्ट आया, कितनी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क आ गया, बहुत ज्यादा फर्क आया, थोड़ा सा फर्क आया, बिल्कुल भी नहीं फर्क आया,
ये सारी चीज़ें कौन पढ़ता है? इलास्टिसिटी. कौन बताता है? इलास्टिसिटी. और से और समझें, इलास्टिसिटी मेजर्स हाउ मच वन फैक्टर चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन डिफरेंट फैक्टर. नाउ जैसे मैंने आपको कहा कि अभी हम जो इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, दीगर दूसरे भी फैक्टर्स हैं जिनमें चेंज आता है, उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर बहुत बड़ा फर्क आ जाता है या बिल्कुल भी नहीं आता या बिल्कुल नेगेटिव फर्क आ जाता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें कवर करता है कौन? इलास्टिसिटी. दोबारा रिपीट करता हूं, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल सच एज क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन अनदर वेरिएबल सच एज प्राइस, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स. बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं. अब देखेंगे इलास्टिसिटी की बेसिकली दो मेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस तरफ वाला और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इस तरफ. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तीन फर्दर मोर कैटेगरीज आती हैं जो आज हम पहली कवर करेंगे, बहुत इन डेप्थ नहीं करेंगे लेकिन आज हम पहली कवर करेंगे, वो है पीईडी विच स्टैंड्स फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दूसरी है वाईईडी जिसे आप कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वाई इज डिनोटेड एज इनकम हेयर. तीसरी है एक्सईडी जिसे आप कहते हैं, सबसे नीचे लिखी हुई है, उसे आप कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसको आप सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट भी कहते हैं. वो क्या होती हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में इलास्टिसिटी की सीरीज में ही बताऊंगा मैं इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता और यही मेरा स्टाइल है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाता हूं कि वो कंफ्यूज ना हो बेचारे. ठीक है, अब देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस सवाल का जवाब देता है और वो सवाल है हाउ मच, कितना, इसका जवाब देगा. मेरी बात को गौर से समझिएगा और पकड़ के रखिएगा इस वीडियो को आखिर तक. ठीक है, इट बेसिकली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. अब हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पीईडी पढ़ रहे हैं. पीईडी स्टैंड्स फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कंफ्यूज मत होइएगा, अपने आप को बिल्कुल परेशान ना करें. पीईडी स्टैंड्स फॉर दिस. ठीक है, इट बेसिकली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्रोवाइड्स अ कैलकुलेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. बहुत ही आसान वर्डिंग्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो ये है जो नीचे लिखा हुआ है. PED यानी price elasticity of demand measures the price sensitivity of buyers demand. ठीक है, मतलब क्या है? PED measure क्या करता है? buyers की demand की जो price sensitivity है वो कितना sensitive है इस price के change में. अब price का change कुछ भी हो सकता है, या तो बहुत बड़ा change आ जाएगा, थोड़ा सा आएगा. sensitive कितना है वो इस price की तरफ, ये discuss करता है कौन? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब कैसे पता चलेगा? अब भाई पता ऐसे चलेगा कि हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ता है. कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है. अब कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता फॉर्मूला क्या है तो हम आपको समझाएंगे हाउ टू कैलकुलेट पीईडी. अब पीईडी आपको कैलकुलेट करना है. कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है हाउ टू मेजर द बायर्स सेंसिटिविटी, तो वहाँ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं सेंसिटिविटी का मतलब क्या है. मतलब यही है कि पीईडी को कैलकुलेट करें. फॉर्मूला क्या है? देखें पीईडी का फॉर्मूला है, वहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंटेज का निशान ए अब कैसे और यूं दो जीरो ऊपर नीचे परसेंटेज, फिर ये एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, इसे आप कहते हैं चेंज इन क्यूटी. क्यूटी मींस क्वांटिटी डिमांडेड. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज आया है ओवर कितना परसेंट प्राइस में चेंज आने की वजह से. ये है फॉर्मूला. इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई हमारे पास पॉजिटिव चेंज आया है या नेगेटिव चेंज आया है, चेंज क्या है. इंडिफरेंस कर्व के अंदर भी कुछ इस तरह की चीजें आती हैं, वो इंडिफरेंस कर्व में मैं आपको समझाऊंगा. बहरहाल फिलहाल यहां पर आप इस फॉर्मूले को नोट फरमा लें. ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें क्या क्या कहलाती हैं. मैं आपको समझा देता हूँ. गौर से देखिए कि जो ये परसेंटेज का निशान है इसको हम परसेंटेज कहते हैं. ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसको आप कहते हैं चेंज. इकोनॉमिक्स की जबान में इस ट्रायंगल को चेंज कहा जाता है. क्यू डी स्टैंड्स फॉर क्वान्टिटी डिमांडेड एंड पी स्टैंड्स फॉर प्राइस. पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, प्राइस परसेंटेज चेंज एंड ये सिंपल फॉर्मूला लिखिएगा
जो आपके सामने लिखा हुआ है यही फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। आपको पता होना चाहिए कि P stands for price and ये जो ट्राइंगल है this stands for change। आगे बढ़ते हैं, अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह का आता है, सिंपल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, वो क्या है पीईडी कैलकुलेशन व्हेन परसेंटेज चेंज इज गिवन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज चेंज दिया हुआ है क्लियरली, वो कहता है कि जी 5% चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में, 2% चेंज प्राइस में आने की वजह से, परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा वो कैसे, वो कहता है इफ द प्राइस ऑफ राइस राइजेस बाय 15%, चावल की कीमत 15% बढ़ गई एंड द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज बाय 10%, क्वांटिटी डिमांडेड उसकी 10% डिक्रीज हो गई, तो कैलकुलेट कीजिए कैसे होगा, बहुत आसान है। क्वांटिटी डिमांडेड फॉर्मूला क्या था हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सबसे ऊपर हम क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज रखेंगे 10 ओवर प्राइस की हम परसेंटेज नीचे रखेंगे 15% और हमारे पास आ जाएगा 0.66%। ये फिगर्स क्या डिनोट करती हैं, जो 0.66 का फिगर यहां पे आया है ये आपको पता चलेगा एट द एंड ऑफ वीडियो और इसके बाद जो अगली वीडियो, दो वीडियोस के बाद जो वीडियो अपलोड होने वाली है जिसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मैं टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करूंगा कि इन इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है एंड सो ऑन, उसमें आपको ये पता चलेगा। दूसरी एग्जाम्पल नीचे जो आपको नजर है वो कहता है इफ द प्राइस ऑफ अ रिस्ट वॉच ठीक है फॉल्स बाय 20%, प्राइस गिर गई रिस्ट वॉच की 20% एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीज्ड बाय 40%, देन पीईडी उसकी क्या होगी, फॉर्मूला लगाया आपने 40/20, पीईडी उसका आ गया 2। बहुत ही हलवा क्वेश्चंस हैं क्योंकि उसने परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, तो बहुत हलवा लग रहा है, बहुत आसान है। अब ये 2 और वहां 0.66, इस बात को जरा नोट रखिएगा क्योंकि तमाम वीडियोज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं इलास्टिसिटी की सीरीज में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अब आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो ये है, क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन यूजिंग द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड वैल्यूज। सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पीईडी, प्राइस इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन आपके पास आया है ऊपर और इसका आंसर, शॉर्ट आंसर ये है, एक्सप्लेनेशन इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आ रही है जिसका लिंक आपको एंड के अंदर आ जाएगा। अगर आपकी पीईडी कैलकुलेट करने के बाद जीरो आती है तो वो कहलाती है परफेक्टली इन इलास्टिक। ग्राफ कैसे बनेगा, क्या बनेगा, अभी इसमें ना पढ़े, सिर्फ समझिए इस बात को। अगर लेस देन 1 आ गई कैलकुलेशन, जैसे जो अभी हमने कैलकुलेट किया था और उसमें 0.66 आई थी, उसे हम कहते हैं इन इलास्टिक पीईडी, इन इलास्टिक प्राइस ऑफ डिमांड। अगर हमारी 1 आ गई तो उसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, अगर हमारी 1 से ऊपर आ गई तो हम उसे कहते हैं इलास्टिक, और अगर बहुत ज्यादा ऊपर आ गई तो हम उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए आपको मेरे साथ बंधे रहना पड़ेगा, सीरीज पूरी देखिएगा। मैंने ब्रेकडाउन इसलिए किया है ताकि आप लोग समझ सकें इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को, उसके बाद अगर हमारे पास परसेंटेज चेंज नहीं दिया हुआ है फिर हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो इसका पार्ट 2 है उसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आपके पास परसेंटेज चेंज नहीं दिया हुआ है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे पीईडी की सेंसिटिविटी को। अब चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा एग्जाम क्वेश्चन आपके पास, वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, वो कहता है व्हाई इज पीईडी ऑलवेज नेगेटिव एंड व्हाई इज इट रिटन एज पॉजिटिव फिगर। ये क्वेश्चन आपके पास आता है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, या एमए में भी आ जाता है ये क्वेश्चन, आईबी की जिसके भी आप स्टूडेंट हैं, वो क्वेश्चन ज़रूर आता है ये कि पीईडी बेसिकली होती तो नेगेटिव है, पॉजिटिव क्यों लिखते हैं, अच्छा नेगेटिव क्यों होती है। इसका आंसर बड़ा सिंपल है, जो यहाँ पे है यही आंसर लिख दीजिएगा, फुल मार्क मिलेंगे। द पीईडी इज नेगेटिव बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो आपको पता है कि पीईडी इसलिए नेगेटिव होती है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप आपस में इनवर्स है, प्राइस ऊपर चलेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड नीचे आएगी, प्राइस नीचे तो ये ऊपर, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, मगर हम इसको पॉजिटिव क्यों लिखते हैं, ये क्वेश्चन है।
आंसर ये है, एज द लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज टू अप्रोक्सीमेटली ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, वी नॉर्मली इग्नोर द नेगेटिव साइन एंड एक्सप्रेस पीईडी एज एन एब्सोल्यूट वैल्यू। बात क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन था ऊपर, ये इसके आंसर्स देखे मैंने पार्ट्स के अंदर लिख दिया कि वो नेगेटिव क्यों आती है, इसलिए आती है, और क्यों हम नेगेटिव नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिखते। लेसन रैपअप की जानिब चलते हैं। आज हमने क्या कवर किया, आज मैंने आपको पढ़ाया डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल ड्यू टू द चेंज इन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी मैंने आपको बताएं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हाउ टू मेजर इलास्टिसिटी, अगर परसेंटेज चेंज गिवन है तो मैंने आपको बताया इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला आपको मैंने दिखाया और उसमें मैंने आपको समझाया कि किस चीज को क्या कहते हैं, और दो डिफरेंट एग्जाम क्वेश्चंस मैंने आज आपको बताए। ये था इलास्टिसिटी की सीरीज का पहला लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इलास्टिसिटी का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक है, देखते रहिएगा, साथ बंधे रहिएगा इंशाल्लाह। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर दीजिए, अगर ऑलरेडी कर चुके हैं तो दूसरों तक पहुंचा दें, ताकि इन फ्री लेक्चर्स से हमारे तमाम तलबा मुस्तफीद हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।